हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, अगर आप अपने माउस कर्सर को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी सारी वीडियो में कि किसी का माउस का जो कर्सर होता है वो येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, अलग अलग कलर के ये आते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है दूसरों को समझाने में कि आप कोई भी अगर आप कुछ चीज़ पर क्लिक करते हो तो जो ये प्री इंस्टॉल्ड जो गाइस ये हमारे पीसी पर जो माउस कर्सर होता है बहुत छोटा होता है और हम प्रॉपरली वहाँ पर प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर होते हैं वो हाईलाइट माउस कर्सर का यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ऐसे वे यूज़ करते हैं। अगर आप भी अपना जो माउस कर्सर है उसको हाईलाइट करना चाहते हो ग्रीन में, रेड में या किसी भी कलर में, तो आप कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस को अट्रैक्टिव बना सकते हो और दूसरों को भी इजी होगा आपका जो वीडियो है या कोई भी प्रेजेंटेशन है उसको समझने में। तो सिंपली गाइज आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आपने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और गाइज ब्राउज़र पर आपको टाइप करना है रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स। रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स जैसे आप टाइप करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी, रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर फॉर आइकन कर्सर कर्सर इमेज एंड, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी गाइज आप आ सकते हो डायरेक्टली इस पर। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, तो जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर गाइज आपने गैलरी में जाना है, तो गाइज आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कर्सर ये दिखाई देगा अलग अलग कलर के। यहाँ पर गाइज आपने सर्च का एक ऑप्शन देखेगा, सर्च में आपने टाइप करना होगा कर्सर्स हाईलाइट, सर्च करेंगे कर्सर हाईलाइट्स लिखकर, तो गाइज आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कर्सर दिखाई देंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के। यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर, येलो कलर और पिंक कलर, तो जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो गाइज ऑल कलर्स हाईलाइट और डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस के, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के माउस कर्सर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो उन सभी आप डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे गाइस हम ये येलो वाला करना चाहते हैं तो मैं ये येलो वाला यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये 13.5 KB का इसका साइज है। इस फाइल को हमको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड पर क्लिक करेगा, इसको क्लोज कर देगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से नीचे से आप और भी कर सकते हो अगर आप दूसरे स्टाइल में माउस कर्सर को डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे हम ये वाला भी कर लेते हैं, ग्रीन और ब्लू कलर का 6.2 KB की फाइल है, इसको डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हम गाइस ये रेड कलर का भी कर लेते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेगा ये भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हो गाइस, किसी भी कलर में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ब्लू कलर का हम करना चाहते हैं तो ये कर लेते हैं डाउनलोड, ये भी डाउनलोड हो गया है। ऑल कलर्स का कर लेते हैं ये डाउनलोड, तो ये फाइल्स हमारी डाउनलोड हो गई है। अब गाइस आपने अपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है। ये गाइस मैं आपको विंडोज़ 11 पर करके दिखा रहा हूँ, विंडोज़ 10 में भी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। चाहे आपके पास विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11 है तो सेम प्रोसेस इसमें रहने वाला है। डाउनलोड फोल्डर में आएगा, यहाँ पर ये जो डाउनलोड फोल्डर्स है गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर इनको आप कॉपी कर लेंगे या आप यहाँ से इनको कट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया है, उसके बाद गाइस आपने सर्च करना है यहाँ पर माउस सेटिंग, माउस सेटिंग सर्च करेगा। यहाँ पर गाइस अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो ऊपर दिख जाएगा आपको एडिशनल सेटिंग का, अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो यहाँ पर रिलेटेड सेटिंग्स में आपको एडिशनल माउस सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा नीचे विंडोज़ 11 में, ठीक है। सिंपली आपने इस पे चले जाना है एडिशनल माउस सेटिंग में, तो आपके सामने माउस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपने पॉइंटर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये हमारे जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में आते हैं वो आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। अब गाइस जो हमने फाइल्स ओपन की थी वो फाइल्स को हमने कहाँ पेस्ट करना होगा, यहाँ दिस पीसी में आएगा और यहाँ
सी ड्राइव में आएंगे आप, जो आपकी लोकल ड्राइव होती है उसमें आएंगे। यहाँ पर हमको विंडोज़ में आना है। विंडोज़ में गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कर्सर्स का, ठीक है। कर्सर पे क्लिक करेगा, यहाँ पर ये सारे आपके कर्सर्स दिख जाएंगे जो आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में, ठीक है, या और किसी भी विंडोज़ में, ठीक है। स्पेशली मैं विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जो भी हमने यहाँ पर वो जो डाउनलोड की थी फाइल्स हमने वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल भी कर दे, कंटिन्यू करेंगे तो वो हमारी फाइल्स यहाँ पर गाइस जो हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब जो माउस कर्सर थे वो भी हमको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ये जिप फाइल थी तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने ये काफ़ी सारे माउस कर्सर्स आ जाएंगे, आप इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास जिप फाइल आती है तो इनको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सको काफ़ी सारे माउस कर्सर हमको यहाँ पर मिल गए। अभी आप इनको कॉपी करेंगे कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, या कट भी कर सकते हो। अब आपने यहीं सी ड्राइव में आना है, विंडोज़ में आएगा, कर्सर में आएगा और आप यहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू अगर आपके सामने भी आता है, ठीक है। तो सारे हमारे यहाँ पर ये पेस्ट हो गए माउस कर्सर के जो हाइलाइट्स थे। अब गाइस आपने सेटिंग में जाना है, वहीं पर जो हमने सेटिंग ओपन की थी माउस प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर आपने माउस सेटिंग में आना है। ब्लूटूथ एंड डिवाइस में माउस में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर रिलेटेड सेटिंग्स में और एडिशनल माउस सेटिंग में आएंगे, माउस प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गाइस आपने ब्राउज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वे सारे यहाँ पर आपको वे सारे माउस कर्सर दिख जाएंगे जो हमने डाउनलोड किए थे। जैसे आप देख सकते हो ब्लू वाला यहाँ पर ही आ गया है और ग्रीन वाला जैसे हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो चुका है। देख सकते हो गाइस जो माउस कर्सर था हमारा यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। ओके पे क्लिक करके आपका जो माउस कर्सर है वो यहाँ से सेट हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, दूसरा माउस कर्सर यूज़ करना चाहते हो ब्लू वाला तो आप ये इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा माउस कर्सर जो था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर सारे कलर्स हमको ये दिख रहे हैं। ब्राउज पे क्लिक करके कोई चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओपन, अप्लाई, ओके, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करना चाहते हो फिर से आप एडिशनल माउस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर माउस पॉइंटर्स में आएंगे, यहाँ नन है तो यहाँ पर आप, तो यहाँ से गाइस आपने माउस कर्सर को सेलेक्ट कर लेना है। विंडोज़ डिफ़ॉल्ट सिस्टम स्कीम ये सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई इस तरीके से हम अपने विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में माउस कर्सर को हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट है रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।